आज का जो डोमेस्टिक वायलेंस में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, बताइए उसके बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस आज की तारीख पे महिलाओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आप अगर देखेंगे हर चार घर में एक घर आपको डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित मिलेगा, जहाँ पे महिलाओं को परेशानी से सामना करना पड़ रहा है और कोर्ट जाना पड़ रहा है, और कोर्ट में ऐसा है कि तारीख पे तारीख मिलते जा रही है, और मर्द जो है वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे मुस्लिम मैरिज एक्ट में मर्द जो है एक औरत को घर में रखते हैं और दूसरी बाहर रखते हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और दूसरी तरीके से देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट में तो ये संभावित ही नहीं है कि एक आदमी वाइफ होने के बाद में दूसरी औरत बाहर रखे और उसको रख के वो दैट इज़ रियली नॉट पॉसिबल कि एक वाइफ होने के बाद में वो दूसरी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे, क्योंकि वह एडल्ट्री साबित होती है। तो वो भी अगर आप देखें तो वो भी आज की तारीख में हो रहा है कि लेट मी टॉक अबाउट अनिता, आपकी शादी से आप बता सकती हैं कि आपके हस्बैंड आपको क्यों नहीं रखना चाह रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ कैन यू टॉक अबाउट इट। उनकी माँ बाप की वजह से, क्योंकि उनके माँ बाप के बोलने का तरीका ऐसा है कि मैं भैया कास्ट से हूँ, वो लोग मालवनी है, तो जैसे ही मेरी शादी 2015 में हुई थी उस टाइम से आज तक वहाँ पे मुझे ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा है कि मेरी शादी हुई है करके, क्योंकि ना कोई भाभी बुलाता है ना कोई कुछ, ना मुझे सास कोई हाथ लगाने देती है किचन वगैरह में, ना मेरी बच्ची को छूते है, और सब मेरी ननंद के बोलने के ऊपर होता है, और मेरे पति डरते हैं कि माँ बाप को बुरा लग जाए, और माँ बाप को बुरा लगता है कि बेटी का नहीं सुनते, उनका बोलना ऐसे कि मैं वहाँ रहूँ तो उनका सुनना चाहिए, अपने मर्जी से नहीं मैं रहूँ, सब उनका ही सुनो। और एक बच्ची का बर्थडे नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, हम सेपरेट थे, तो इस वजह से मुझे 7 महीने की सज़ा मिली कि मुझे पति छोड़कर अपने माँ बाप के साथ रह रहा था, नहीं मेरी बच्ची को देखने आता था। और जब मैं गई उनसे बोलने ये बात करने के लिए कि आओ आप क्यों नहीं आते हो, तो ये बोल रहे कि नहीं तुमने मेरी माँ को ऐसा बोला है, नहीं मेरे पिताजी को ऐसा बोला है, उन्होंने उनका दिल दुखाया है, इसीलिए वो बच्ची को भी मिलने नहीं आते। और वहाँ पे मुझे सास ने मारा, मेरी देवर ने मारा, छोटा देवर मेरा, और मेरी ननन और ससुर, इन सब ने मुझे मिलकर मारा, और पति को ये सब दिखाई दे रहा था, लेकिन मालूम नहीं क्यों वो जानबूझकर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं कुछ घड़ा है, क्योंकि उसे बाजू में दिखाना था कि नहीं मेरी बीवी ही गलत है, मेरे मम्मी पापा नहीं, और उनकी मम्मी एक्टिंग करने में एक नंबर, उसे रोक के बताएगी। अब मैं कहाँ बोलूँ, उनकी मम्मी मम्मी है, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ ना, 7 महीने मैं भी अकेली रही। अब मैंने जब शबनम मैम का यहाँ पे सहारा लिया, मैं वहाँ आई, उन्होंने उनको भी बुलाया, मेरे पति और ससुर को, तो मेरे पति को उन्होंने मनाया, वो मान भी रहे थे, लेकिन मेरे ससुर का जिद था अगर तू इस लड़की के साथ वापस जाएगा तो मैं तुझे एक जायदाद से हिस्सा नहीं दूंगा। मैंने वो भी नहीं बोला मत दो चलेगा, लेकिन उनका बोलना है इसके बाद से तू मिलने भी नहीं आना हमको, तो ये ज़बरदस्ती है ना, मेरा तो लाइफ ख़राब हो गया उसकी वजह से, वो तो अपना बैठ गया माँ बाप को लेके, वो तो मज़े से दूसरी शादी कर लेगा अगर मुझसे डिवोर्स लेगा तो, वो तो मांग ही रहा है डिवोर्स, मैं तो नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि मेरी एक बच्ची है 1.5 साल की, मैं तो अब भी चाहती हूँ कि वो आए, अभी मेरा ऑपरेशन है, मेरे ब्रेस्ट में लम्स है, तो मैंने उसे वो मैसेज भी दिया, तो मैसेज पढ़ के भी उसने इग्नोर कर दिया, तो अभी मैं क्या बोलूँ उसे, मैं तो समझा रही हूँ बट वो समझ ही नहीं पा रहा क्योंकि माँ को मारा है, उसकी माँ ने मेरी पूजा की, उसने कुछ नहीं किया। तो आप सबनम जी से जो मदद की उम्मीद करके जी हाँ, किस तरह की उम्मीद चाहते हैं आप सबनम जी से? मैं चाहती हूँ कि वैसे तो मैम ने मुझे पहले से ही बताया कि मैं किसी का अभी तक डिवोर्स नहीं करी हूँ, तो वो तो मेरे लिए बहुत करे, मैं तो बोलती हूँ बहुत किया उन्होंने मेरे लिए, बहुत बार 3-4 बार उनको समझाया, उनके सामने रिक्वेस्ट किया, इतना तो मैम किसी को मुझे नहीं लगता करते होंगे, मेरे लिए किया, लेकिन मेरे लिए रोए भी हो एक्चुअली, बहुत किया मेरी बच्ची को देख के, बहुत किया उन्होंने, लेकिन मेरे ससुर नहीं समझना चाहते, वो अपना मालवनी कास्ट लेके ही बैठे, लगता है मालवनी करते करते ही ऊपर चले जाएंगे लेकिन सुधरेंगे नहीं, मर जाएंगे मालवनी, मर जाएंगे लगता है, सत्यानाश हो तेरे ससुर का, सच में सत्यानाश, सच्ची सत्यानाश, बहुत अकड़े। मैं ये जब रो रही थी तो सचमुच मुझे रोना आ गया कि मैं चाहती नहीं हूँ कि किसी भी लड़की का तलाक हो, मैं हर किसी के फैमिली को समझाती हूँ कि तुम्हारी बेटी समझो और समझ के एक बार माफ कर दो और एक्सेप्ट कर लो और एडजस्ट कर लो और बसा दो घर करके, और इसको रोते हुए देख के मुझे रोना आ गया, लेकिन वो बुड्ढा नहीं समझा।
वो बुड्ढा नहीं समझता है और वो बुड्ढा, हाँ तो वो बुड्ढा यही चाहता है कि इसका उसका बेटा इसको छोड़ दे और सेपरेट हो जाए। अभी इनका भी ऐसा है, ये भी बच्ची आई हुई है, इनके भी 3 बच्चे हैं और इनका भी पति जो है वो भी अय्याश है। और वो बताइए आपके बारे में कुछ, नाम से बताना, नाम बताइए आपका। मेरा नाम आलिया मर्चेंट है और मेरे हस्बैंड का नाम यूसुफ मर्चेंट है। मेरी शादी को 15 साल हो गए और मेरे 3 बच्चे हैं और 2 तो बहुत छोटे, 1 3 साल का, 1 5 साल का है और बड़ा वाला 14 साल का है। मगर मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड तो इतने है बुरे कि मैं कुछ बता नहीं सकती। लोगों के सामने एकदम अच्छे बिहेव करते और रात आती है तो जैसे ही रोज़ शराब पी के आना, जुआ खेलना और घर में कुछ खर्चा पानी नहीं देना। मेरे बच्चों के साथ भी ये ट्रीट करते और मुझे भी ऐसे ट्रीट करते और दिन भर बस गाली गलौज और मानने को हाथ उठाते। और जब मौका मिलता तो बोले घर से निकलो, मेरे बच्चे छोड़ो, घर से निकलो। मेरी सास भी यही करती, सुबह से लेकर रात तक का गाली गलौज करती और बोलती घर से निकलो। 9 मार्च को मेरे हस्बैंड ने मुझे मार के घर से निकाल दिया और बोले कि अभी के अभी घर छोड़ के जा। मैंने बोली कि नहीं, मेरे बच्चों का 1 महीना बाकी, एग्ज़ाम्स हो जाएं तो फिर मैं घर छोड़ दूँगी। तो बोले नहीं, मैं मेरे बच्चे लोग को पढ़ा लूँगा, सब देख लूँगा, तेरी ज़रूरत नहीं। यही हुआ फिर अभी मैं, मुझे मालूम पड़ा कि 55 डेज से मैं मेरी मम्मी के माँ हूँ। मगर अभी मेरे बच्चे, छोटा बच्चा जो 5 साल का है, वो भी स्कूल गया नहीं एग्ज़ाम देने के लिए, ना उसके लिए कुछ है, ना बड़े बच्चे को पढ़ाते हैं, ना किसी कुछ करते। और बस यही हो रहा है कि गाली करो जो ये सब। मैं मैडम के पास आई, बात कर रही तो मैडम ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया कि आके ज़रा मिलो, बात करो। तो वो सीधा बोलते कि मुझे आना नहीं है, आप मैडम को बोलिए कि खालिद करके उर्दू टाइम्स में नागपाड़े पे वहाँ आके बात कीजिए, या तो फरीद करके है अमान वाले कमेटी, वहाँ पर आके बात कीजिए। ये अमान कमेटी, फरीद लेटेस्ट, याद है फरीद लेटेस्ट लाल दाढ़ी वाला बुड्ढा, वो जिसने मेरे पे फेक केस बनाया है, मारे मार्क। हाँ हाँ, फरीद लेटेस्ट। तो अगर बात करें तो हम शबनम शेख की, तो आप उनसे किस तरह का मदद मांगने आ जाए और क्या उम्मीद चाहते हैं उनसे? मैं चाहती हूँ कि बस मेरे बच्चे और उनकी कस्टडी, मुझे बच्चों की कस्टडी मिल जाए और फाइनेंशियली हेल्प मिल जाए बस। और मैं मेरे हस्बैंड के पास वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं इतना टॉर्चर सह चुकी हूँ कि मैं थक गई हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बच्चे तो लेंगे, क्योंकि जो इंसान रेड लाइट एरिया में जाता है और जो बच्चों बच्चे को, तो तुमको ही मिलेंगे इंशाल्लाह, बच्चे तुमको मिलेंगे। वो उस चीज़ के लिए तो ईट से ईट बजा देंगे, फरीद लेटेस्ट हो या फरीद पुराना हो, वो नई बच्चे तुम्हारे छीन सकते। सबको सालों को पट्टे पट्टे से मारना चाहिए, सबको ढूंढ ढूंढ के निकालने का, सबको पट्टे पट्टे से मारने का, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, सबको ढूंढ ढूंढ के निकालो और सबको मारो सालों को, है ना? सबको मारेंगे, सबको मार मार के सुधारने का। तरफ से अगर औरत की गलती होती तो ठीक है, लेकिन तुम 2 मासूम बच्चों को भूखा रख रहे। 3 दिन मेरा, 3 साल, 3 साल की बच्ची मेरी 3 दिन पूरा भूखा दी, मेरे दिल पे क्या बीती थी उस मुझे याद है, तुमने बताया था मुझे कि वो मैं खाने से बाहर लगा था। अगर इसमें से हम दोनों में से एक को भी हो जाएगा ना तो तीनों मर जाएंगे, क्योंकि हम तीनों एक दूसरे के लिए थे। मैं दिन में अपने बच्चों के सामने रो नहीं पाती थी, रात में रोती थी, दिन में रो तो मेरी आंखों से आंसू थे कि मेरे बच्चे मुझे बार बार बोलते थे। क्या किया जाए इस तरह के इंसानों के साथ? क्या किया जाए? पहले तो इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल की जाए जस्टिस के लिए, इनके खिलाफ कंप्लेंट फ़ाइल की जाए, इनके खिलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए सारे के सारे सेल्स पे, टू कमिश्नर्स, टू क्राइम सेल्स, जस्टिस फॉर लेडीज, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। मर्दों के शौकीन मिजाज, इनके ऊपर रोक लगाई जाए। अगर मर्द इतने ज़्यादा शौकीन हैं, अगर खुद के शौकीन होने पर उनको इतना नाज है, तो उनको अपनी बीवियों को भी शौकीन होने दें। अगर वो खुद के शौकीन होने पे अगर इंडिपेंडेंसी रखते हैं तो बीवियों को भी होने दें। अगर होने देते हैं और नाज रखते हैं बीवियों के शौकीन होने पर, पैरलर लगते हैं, तो फिर जस्टिस ओके है। ट्रिपल तलाक बिल जो मुझे लगता है मोदी गवर्नमेंट ने जो पास किया है,
वो 101% ठीक है, मैं उसको समर्थन देती हूँ। आपको लगता है कि वो पहले और आ जाना चाहिए था ऐसे इस प्रकार के बिल? 101% पहले आ जाना चाहिए था, मैं पूरा समर्थन देती हूँ उसको। तो कुछ सामाजिक तत्व है जो उसका विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं ये लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में पास नहीं होना चाहिए? ये खुद सेल्फिश लोग हैं, उनको खुद को बोलते हैं ना पर्सनल लेवल पे, वो खुद उस बिल के खिलाफ इसलिए हैं कि उनको खुद को 2-4-5 शादियां करनी हैं और वो खुद सेल्फिश तरीके से अय्याश हैं, सेल्फिश तरीके से खुद कमीने हैं, कुत्ते हैं, तो वो इसलिए जो हैं वो इस बिल के खिलाफ जा रहे हैं। अगर वो खुद देखें कि उनकी बेटियों के ऊपर अगर ये चीज़ हो रही हो तो वो समझेंगे कि ये बिल कितना सही और कितना गलत है। मैं मोदी गवर्नमेंट के तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मैं इस बिल के समर्थन पे बोल रही हूँ कि एक औरत होने के हिसाब से वो बिल 101% सही है। कि अगर वो बिल देखा जाए कि ट्रिपल तलाक का बिल जो है वो 101% सही है, कि किसी भी औरत के ऊपर अगर वो तरीका, अभी जैसे हमने ये अनीता चावला का केस देखा जो आयशा शेख हैं बेचारी, अभी वो बच्चों के साथ में जिस प्रकार से हुआ है कि वो बच्चे कौन सी कास्ट को फॉलो करें, कि वो 4 साल पहले वो कौन सी कास्ट फॉलो कर रहे थे, 4 साल बाद अब वो कौन सी कास्ट फॉलो कर रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन कितना डिफ़िकल्ट है उन बच्चों के लिए। वो अच्छा अभी वो एक्सपेंडिचर उनके लिए कितना डिफिकल्ट है वो देखेंगे आप। तो वो जो ट्रिपल तलाक एक ही पेज पे लिख के भेज दिया, उनके बाप का राज चल रहा है अनवर का, हाँ तो देखा जाए तो उनका तलाक अभी हुआ ही नहीं है एज पर द लॉ। तो लॉ ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, ये बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और जो इसको अपोज कर रहे हैं ना, तो ये तो पक्के छिचोरे कमीने कुत्ते लोग हैं, इनको तो है ना चप्पल है ना चप्पल, इनको चप्पल है ना ऐसा, इनको गू में डुबा के मुंह पे मारना चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ उनका लिस्ट बना के दो मेरे को, मैं पर्सनली जाके मार के आऊंगी। मैडम ऐसे समय पे जब बच्चों को खास करके पिता की जरूरत होती है, माँ बाप की जरूरत होती है, कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनको पढ़ाई लिखाई और इस तरीके के तमाम सारी चीजों की जरूरत होती है, ऐसे ही समय पर ये लोग छोड़ देते हैं या तलाक देते हैं, जो भी समस्या है, तो ये इस सारी समस्याओं से कैसे निकल पाते होंगे ऐसे लोग? क्या कुछ आपके साथ हुआ है ऐसे लोगों के, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बताती हूँ मैं आपको। पहली बात तो देखिए, ये हेल्प केयर फाउंडेशन, ये एनजीओ मैंने क्यों खोला, डोमेस्टिक वॉयलेंस के ऊपर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखी है, ठीक है। पहली बात तो हेल्प केयर फाउंडेशन मैंने खोला क्यों, क्योंकि डोमेस्टिक वॉयलेंस के शिकार मैं खुद हूँ, मेरे ऊपर आप बीती थी तब, मैंने 2005 में जब मेरा सेपरेशन हुआ था उस वजह से 2005 से मैंने ये मुहिम शुरू किया था, तो मैं खुद जानती हूँ कि कैसे होता है डोमेस्टिक वॉयलेंस, तो ये मेरे ऊपर आप बीती है। दूसरी बात, डोमेस्टिक वॉयलेंस में मर्द इंतज़ार नहीं करते, मेरे मियाँ ने शादी कर ली, 2 बच्चे और पैदा कर लिए, ठीक है। अब बात रही हस्बैंड्स की, वो इंतज़ार बिल्कुल नहीं करते किसी भी चीज़ का। अब जैसे कि ये बात रही ट्रिपल तलाक की, ये बिल की बात रही, तो ये एक आदमी की बात करो कि हमारे मुस्लिम शरिया की बात करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट तो फिर भी ठीक है कि एक आदमी एक ही शादी कर सकता है, बाहर अफेयर करता है पकड़ा जाता है एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर पे 495-497 के एक्ट पे, उसके ऊपर कानून लागू होता है, उसको उसके ऊपर सज़ा लागू होती है, लेकिन मुस्लिम्स तो फिर भी 4 शादी कर लेते हैं, हाँ मुस्लिम 4 शादी कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट की मान्यता क्या होती है कि पहली ही बीवी को मान्यता दी जाती है, और कोर्ट में बाकायदा पहली बीवी से पूछा जाता है, जज पूछता है कि पहली बीवी से कि क्या आपको पता है कि ये दूसरी तीसरी या चौथी आपके पति ने की है और आप को ये रजामंदी है, अगर बीवी हाँ बोलती है तो ठीक है, बीवी ने ना बोला तो पति को सज़ा लागू है। अगर नहीं पता हो लोगों को तो मैं ये बात का डिक्लेरेशन दूँ और बता दूँ कि ये चीज़ ऐसी है। और अगर पति के बारे में जैसे कि ये मोहतरमा ने बताया कि मेरा पति रेड लाइट एरिया में जाता है,
तो ये अगर इस तरीके का स्टेटमेंट बीवी ने कोर्ट में खड़े होकर दिया तो पति को सज़ा लागू है, 101% पति को सज़ा लागू है। तो ये जो पति कमीने पति अय्याश किस्म के लोग होते हैं तो इनको 101% सज़ा लगती है, लेकिन ये जो पुलिस स्टेशन मैनेज करके चलते हैं, कुछ कर्मचारी जो अपनी वर्दी का गलत किस्म से इस्तेमाल करते हैं, इन्हें सज़ा दिलाने के लिए वरिष्ठ कर्मचारी हैं वहाँ पर, इनके नाम पे कंप्लेन देनी चाहिए और इनको सज़ा दिलानी चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और जो जो सही चीज़ों के खिलाफ खड़े होकर आवाज़ उठाते हैं, ये बिल गलत है, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, तो उन लोगों के लिए आप हमारे जैसे लोगों को संपर्क करें। हमारी चप्पलें रेडी रहती हैं महिलाओं के साथ दे धड़ाके से मारने के लिए। शबनम जी, एक ये भी हाँ देखा जा रहा है कि इनकी सास भी जो मिली भगत हो जाती है एक महिला होकर, वो भी करती है हाँ। परेशान, तो उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? अब देखिए बेटा, ऐसा है पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती ना। अब जो सास कैरेक्टर होती है ना, वो तो उस जो सास बन जाती तो पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। वो ये समझती है कि हमारी सासों ने जो किया था तो हम सासों ने यही किया था तो हम भी यही करेंगी। वो नेगेटिविटी में आ जाती है, वो ये भूल जाती है कि उनको भी मर के जाना है, उनको भी मर के जाना है, उनको भी कब्र में जाना है, उनको भी अभी क्या कहें ये उनकी सास उनको भाई। हाँ, तो आपसे कोई तलाक इलाक मांगा गया है क्या? व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस रखते थे, तलाक तलाक तलाक, तीन तलाक आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस पे बोलो लो, ताकि मैं सबको दिखाऊँ, जितने भी लोग उनके है कनेक्ट उन सबको दिखाऊँ के तलाक, ये लो अस्तगफार, ये तो ये तो ये तो अनोखा तलाक था, व्हाट्सएप के स्टेटस पे तलाक रखा गया बीच रोड पे। तुम्हारा मियां मिल जाएगा ना तो बाखुदा उसको तो मैं इतना मारूंगी ना, इतना मारूंगी। मैं जिधर रहती हूँ उधर उनका बचपन गया है, मुझे कोर्ट से ही रहना है। सही मेरे, इतना मारेंगे ना इसके मियां को। परसों जाना ही है। हाँ, परसों जाना ही है, रेस्टोरेंट निकल गए। हाँ, कल एप्लीकेशन किया। चलो, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।